जिस दौर में मीडिया की आजादी पाताल तक छू चुकी है, जिस दौर में चैनलों के मालिक मोदी जी को मंच पर बिठाकर उनकी पार्टी की प्रवक्ता को भी मात दे देते हैं, जिस दौर में मीडिया अपनी स्वतंत्रता कुचले जाने का खुद जश्न मनाता हो, सलाम कीजिए एक ऐसे संपादक को जिन्होंने सरकार के मंत्रियों नेताओं के आगे उन्हें मुंह पर सुना डाला। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल, इन्हें पहचान लीजिए क्योंकि इस अकेले पत्रकार ने देश की पत्रकारिता की आज लाज रख ली। दोस्तों, ये हैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा। इंडियन एक्सप्रेस की गिनती आज भी देश के उन चुनिंदा अखबारों में होती है जिसने अपनी विश्वसनीयता और रीढ़ दोनों के साथ समझौता नहीं किया। अपने अखबार के कार्यक्रम में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने मंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाकर सरकार के मंत्रियों नेताओं के आगे जो बात बोली वो सुनने लायक है। संपादक राजकमल झा ने कहा, हमारे बीच आज चीफ जस्टिस हैं और बंद लिफाफे में कुछ भी नहीं। जैसे ही संपादक जी ने ये बात बोली, तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोग ठहाके लगाने लगे। वजह आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को पिछले ही दिनों बंद लिफाफों को लेकर लताड़। यानी सरकार के मंत्रियों के आगे ही इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने सरकार पर बेखौफ कटाक्ष कर दी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। आगे राजकमल झा कहते हैं, ये वोट ऑफ थैंक्स है, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं मैं कहूंगा यहाँ कोई वोट नहीं, बस थैंक्स होगा। ये सुनकर तो प्रोग्राम में मौजूद तमाम लोग जोर जोर के ठहाके लगाकर सरकार पर कटाक्ष का मजा लेने लगे। लेकिन फिर संजीदा होकर संपादक राजकमल झा ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आजाद मीडिया के आपके विचारों और सुप्रीम कोर्ट को एक आगे भी बेहतर दुनिया का प्रतिबिंब रखने के विचारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारी स्वतंत्रता के लिए स्टेट यानी सरकार को पीछे धकेला है। इसीलिए जब आसपास रोशनी कम हो, जब एक रिपोर्टर को एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए, जब किसी को सिर्फ सवाल पूछने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, जब एक यूनिवर्सिटी के टीचर को एक कार्टून शेयर करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, एक कॉलेज स्टूडेंट को एक स्पीच देने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, एक फिल्म स्टार को एक कमेंट के लिए टारगेट किया जाए, इन हालातों में हम आपको ही उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने ये बातें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए कही, लेकिन उनकी इन बातों से हर वो नागरिक जो लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया में विश्वास रखता है इत्तफाक रखेगा। एक संपादक जब ऐसी बातें सार्वजनिक तौर पर कहता है ना, तो इससे उस अखबार में काम करने वाले हर पत्रकार को हौसला मिलता है, हौसला सरकार से सवाल पूछने का। इंडियन एक्सप्रेस वो अखबार है जिसने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौर में भी सत्ता के आगे झुकने की बजाय अपने अखबारों के पन्ने खाले छोड़ दिए ताकि उसकी पत्रकारिता की लाज बची रहे। और आज जब देश की मीडिया गिरने के नित नए रिकॉर्ड खुद ध्वस्त कर रही है, राजकमल झा एक जगमगाती लौ की तरह बिना डरे पत्रकारिता की लाज बचाए हुए हैं। वो देश के मौजूदा हालातों पर बिना डरे सरकार के मंत्रियों नेताओं और विपक्ष के लोगों के आगे बोलते गए और सबके सब चुपचाप सुनते गए। इसे कहते हैं रीढ़, ये होती है हिम्मत। आज भले ही मेनस्ट्रीम मीडिया सुधीर चौधरियों, अंजना कश्यपों और अर्णव गोस्वामियों जैसे अनगिनत चापलूस चेहरों से पटी पड़ी हो, या आज बहुत बड़े स्टार हों देश के, लेकिन इतिहास में केवल इंडियन एक्सप्रेस जैसे संपादकों के चेहरे और नाम ही अंकित रहेंगे। उन्हें याद किया जाएगा जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर मुश्किल वक्त में, उस वक्त में जब पत्रकारिता का खुलेआम गला घोटा जा रहा था, सरकार को उसकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई और अपने पेशे के साथ समझौता भी नहीं किया। क्या आप किसी भी चैनल के एंकर को छोड़िए, संपादक को छोड़िए, मालिक से भी ऐसी किसी भाषा की उम्मीद कर सकते हैं आज के दौर में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब भी।